सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइज कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइज मैं अभी आया हूँ अपने खेतों की साइड और यहाँ का व्यू काफ़ी रोमांचक है। आप देख सकते हो दूर दूर तक खेत ही खेत है, हरियाली हरियाली है। यहाँ पे फोटो शूट वगैरह वीडियो एकदम मस्त बनने वाली है, आपको क्या ही बताएं। एंड पीछे देख सकते हो तालाब सा बना हुआ है, इसमें मतलब बत्तख थी, बत्तख आपको दिखाएंगे, इसमें बत्तख रहती है। और भाई ये बाघ देख सकते हो, बाघ एकदम 8-10 पेड़ हैं आम के, और भाई जामुन का भी इसमें एक पेड़ है। काफ़ी तगड़ा सीजन के टाइम ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये फरते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है। इनके फल जो है ना काफ़ी मीठे मीठे होते हैं, जामुन भी यानी मोटे मोटे लगते हैं, मज़ा आ जाता है। तो बने रहे हमारे साथ, आपको पूरा व्यू दिखाएंगे अपने गाँव के खेतों का। वो बत्तख देख सकते हो, उड़ रही, उड़ गई भाई, बत्तख थी वो। तो गाइज खेतों की तरफ एंट्री करते ही आपको स्टार्टिंग में तीन बाघ मिलेंगे। एक ये छोटा बाघ है, इसमें आमों के पेड़ कम से कम 8-10 हैं, एंड इसमें भी काफ़ी हद से ज़्यादा आम फटते हैं, और एक जामुन का भी पेड़ है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 10 से 15 आपको आम के पेड़ दिख जाएंगे। इसमें भी काफ़ी खूब फटता है आम, तरह तरह के आम है, मीठे आम, बड़े आम, छोटे आम, खट्टे आम, सभी प्रकार के आम मिलेंगे। एंड उससे पीछे भी काफ़ी तगड़ा बाग है, उससे पीछे भी उसमें है कम से कम 15-20 आमों के पेड़ हैं, एंड जामुन का भी है। तो भाई आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे गांव में ना जब सीजन का टाइम आता है आमों का जामुनों का, तो आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे गांव में आ जाओ आपको फ्री में मिल जाएगा। तो गाइज आपको अपने ग्राउंड के बारे में कुछ बता दूं, तो गाइज ये हमारा ग्राउंड था, पहले काफ़ी तगड़ा काफ़ी बड़ा ग्राउंड था ये, मतलब दूर दूर तक आपको खाली खाली जगह मिलेगी। ये पूरा ग्राउंड था हमारा खेलने का, कुछ भी खेलते थे, बैट बॉल फुटबॉल वगैरह कुछ भी यहीं आके खेलते थे हम। और आपको एक बात बता दूं, आसपास के जो भी गांव है ना यहीं पे टूर्नामेंट वगैरह यहीं पे होता था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ नहीं है, सब ऊपर खाबड़ सा हो गया। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जब हम सर्दियों में बैट बॉल खेलने आते थे ना, तो ये साइडों में लगे रहते थे, ये पता नहीं इसका जंगली घास है, तो इनको सबसे पहले आके इनको जलाते थे हम, आधा घंटा आग सेकते थे, मस्त मज़ा आ जाता था। उसके बाद हम यहाँ पे बैट बॉल खेलते थे, तो काफ़ी तगड़ा मस्त मज़ा आता था। लेकिन अब फिलहाल यहाँ कुछ नहीं है, सब ऊबर खाबड़ सा हो गया, यहाँ कोई खेलने नहीं आता है, सब अपने काम धंधे में लग चुके हैं। और वो चिमनी देख सकते हो आप, वहाँ से हम ईट लाते थे विकेट के लिए, चुरा करके लाते थे, काफ़ी बार तो पकड़े गए हैं, लेकिन फिर भी हम चुरा चुरा के लाते थे। यहाँ आसपास में विकेट बाउंड्री बनाते थे, कुछ कुछ बनाते थे। सो गाइज आपको एक खास बात बताता हूँ अपने गाँव की, तो भाई हमारे गांव में ज़्यादातर लोगों के घरों में कल मिलेंगे, कुछ इस टाइप के कल होते हैं, ये देख सकते हो इस टाइप के कल मिलेंगे ज़्यादातर घरों में। और मोटर भाई कोई कोई घरों में आपको देखने को मिलेगा, वरना मोटर हमारे गांव में मिलता ही नहीं है ज़्यादातर लोगों के पास, तो ये इस टाइप के कल होते हैं, क्योंकि आसान होता है ना, इसमें बिजली लगता है ना कुछ, मतलब दो हाथ चला पहले एक टब भर गया। तो भाई ठंडियों के मौसम में एकदम गर्म पानी आता है, मतलब ताज़ा ताज़ा, मस्त नहाने में भी ना गर्म करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही नहा लो, और ठंडियों में एकदम ठंडा पानी आता है। तो क्या ही बोले, जब कल में इतने सारे फायदे हैं तो ज़रूरी है मोटर लगाना, इसलिए कोई मोटर लगाता ही नहीं।